राम राम किसान भाइयों, ये दृश्य है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ नागौर की जीरा मंडी का, जहाँ उच्च क्वालिटी का जीरा आता है। इस साल की सीजन शुरू हो गई है और आज आप अपनी स्क्रीन के सामने जीरे की जो ढेरियाँ देख रहे हो, अभी कुछ ही समय बाद इनका जो ऑक्शन होगा, इनके जो भाव होंगे उसके बारे में मैं बताऊँगा। देखो, मैं हर बार कहता हूँ, मैं आपको सीड क्वालिटी दिखा रहा हूँ। जैसे अब ये जीरा है, अच्छी क्वालिटी के जीरे इस मंडी में आते हैं। आज दिन में क्या भाव में जो जीरे बिकेंगे उसका वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। 24,000 रुपया। ये जीरा है जो 24,000 के भाव से बिका है। आपको मैं अभी वीडियो के माध्यम से आगे भी बता दूंगा ये जीरे हैं जो क्या क्या भावों में बिकेंगे। बाहरी परचेजरों को एक बार मैं बता दूं कि जो नागौर का जीरा है उसकी सीड क्वालिटी, उसकी जो खुशबू, उसका जो फ्लेवर ज़्यादा आने का रीजन है, क्योंकि जो नागौरी पान मेथी है वो भी यहीं होती है, उसमें भी सुगंध बनती है। तो जितने भी सुगंध वाले मसाले हैं वो नागौर में ज़्यादा पैदा होते हैं। यहाँ के किसान पुराने समय से इसकी खेती कर रहे हैं तो उनको लंबा अनुभव है। और यहाँ जो भावों में जीरे बिक रहे हैं उनके भाव में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 23,500 रुपये में एक वो नेक्स्ट जो डेयरी थी वो बिकी थी। अभी मैं आप सभी को बता दूं, अगले वीक में थोड़ी होली के पर्व की छुट्टियां रहेगी, उसके बाद मार्च क्लोजिंग है। जैसे ही अप्रैल में नई मंडी खुलेगी ये सारी मंडी जीरे से खचाखच भरी नज़र आएगी। किसान इस साल काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जीरे के भाव हैं जो काफ़ी नीचे हैं। लेकिन जिस प्रकार की क्वालिटी है उस प्रकार के भाव हैं। जो जीरे मॉइस्चर के, नमी के आ रहे हैं उनके भाव जरूर नीचे लग रहे हैं। बाकी जो अच्छा सीड, अच्छा दाना, सफाई वाला माल है वो आज भी 25,000-27,000 रुपये तक बिक रहे हैं। हल्के माल है जो 21,000-22,000 तक बिक रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार के माल हो रहे हैं उसी गुणवत्ता के आधार पर उसके भाव लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन मालों में अंदर थोड़ा मॉइस्चर, नमी आएगी वो नीचे बिकेंगे। जैसे 22,851 इस जीरे की बोली लगी है। अभी अपन अपनी कैमरे की फ्रेम से देखें तो देखो, इसमें साथियों कचरा, डंटल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। यदि जीरा नीट एंड क्लीन है तो उसके ज़रूर 2,000-5,000 रुपये तक और भी तेज़ लगते हैं। इसलिए किसान साथियों से निवेदन है, आप जब भी मंडी में माल लाते हैं तो उसकी थोड़ी गुणवत्ता बना के लाएँ, उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन करके लाएँ, ताकि भावों में और आपको इजाफा मिले। बाहरी परचेजरों को मैं फिर बता दूं, ये जो नागौर की जीरा मंडी है, यहाँ भारत की जितनी भी बड़ी जीरा कंपनियाँ वो यहाँ से जीरा खरीदती है। जैसे मेरे सामने अभी एक स्टिकर है MDH का, MDH यदि नागौर से जीरा खरीद रहा तो आप समझ लें यहाँ के जो जीरे की क्वालिटी है वो किस प्रकार की आ रही है। और अन्य जितनी भी मसाले की कंपनियाँ वो सब नागौरी जीरे का जीरा लेने का रुझान रखते हैं, क्योंकि यहाँ सुगंध वाले मसाले होते हैं। जिन मसालों में ज़्यादा फ्लेवर होता है, यहाँ का कलर भी शानदार है, जीरे का सुगंध भी। नागौर के अंदर, नागौर और मेड़ता दो जो मंडियाँ हैं वहाँ जीरे की भरपूर आवक होती है, और पूरे भारतवर्ष से
लोग यहाँ जीरे परचेज करते हैं, किसान जीरा जो बेचने आए हैं उसका जो भाव लग रहा है पता करते हैं ये जीरा क्या भावों में बिक रहा है। एक के भाव लग रहे हैं, 25 हजार। पिछले 2-3 दिन से आवक बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा आवक होने के कारण कहीं ना कहीं भाव मुझे आज भी 1000 से 1500 नीचे लग रहे हैं। ₹24,000 की इस जीरे की बोली लग रही है साथिया, ₹24,000 500 ठीक है, हेलो 600 में 23,000 रुपया साथियों जीरे अभी अपने ने देखे हैं 19,500 भी लगी है और 25,000 तक की भी बोली लगी है अभी जो वीडियो बन रहे हैं उसमें। नई फसल लाने के बाद नागौर की इस जीरा मंडी में जीरे की ये बोली होते हुए 23,951। राम राम सर। कौन सा गांव आपको? बड़ायो। जीरो ले रहे हैं आप? कितना साल जीरा की खेती करो नागौर जिला? हमारे 5-4 साल कर रही है, कासा कर रही है। क्या नब के जीरा को जो निकाल है, जीरा को निकाल किया ने पर बीघा पर कम कौन लो? ठीक और नागौर जिलो है जो मसाला की खेती वास्ते प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अट्टा का जीरा के महीने एक अलग सुगंध हुआ है, बिंगो कई कारण है आप बता सको? कहीं बात माना पता होने हो गई, तो जमीन तकड़ी है। हाँ,
जमीन अच्छी देखो मैं बता रहा हूँ साथियों, नागौर राजस्थान क्या माइनिंग मिनरल के लिए फेमस है और उसमें भी नागौर जिला है जो सबसे ज़्यादा माइनिंग वाला एरिया है। तो यहाँ क्या सारे मिनरल है, जितनी भी ज़मीन में धातु है वो नागौर जिले में निकलता है। इसके कारण ये ज़मीन सबसे उपजाऊ है और उपजाऊ ज़मीन में जो फसल होगी उसका कलर शानदार रहेगा, उसकी सुगंध शानदार रहेगी। इसीलिए यहाँ नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध है, यहाँ का जो हरा चारा है वो प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें साथियों आगे हम वीडियो में बात करेंगे, आज जीरे के क्या भाव रह रहे हैं, आने वाले सीजन में जीरे का क्या फ्लो रहेगा, कितने दिन की छुट्टी रहेगी, ये सारी चीज़ें अपन वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। 23,000 में 200 का यानी 22,800 रुपए बोलना 22,800 मेरे जी की भाई आए आ हां ठीक 15 बोरी हां सर 15 बोरी अब गाला 100, 50, 24,000, 1,50, 51, 100, 50, 51, 200, 1,50, 51, 300, 1,50, 51, 400, 1,50, 51, 500, 1,50, 51, 600, 1,50, 51, 800, 6,800 रुपए में MDH के। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो जीरा है जो 20,000 से लेकर 25,000-26,000 रुपए तक बिक रहा है और आने वाले दिनों में इस नागौर की मंडी में आपको शानदार जीरे की आवक नज़र आएगी। पिछले साल की अपेक्षा भाव जो कम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो हम सबको ही पता है भाव कम है। क्या कहना, तो भाव कम है, मिल ज़्यादा किसान तो संतुष्ट नहीं है, मायूस है, खर्चा बहुत है। बराबर बात है आपकी। आने वाले टाइम में साथियों अपन व्यापारियों से और किसानों से बात करेंगे कि किस प्रकार का भविष्य रहेगा इस जीरे का, जो मॉइस्चर सूखने के बाद कुछ तेज़ी आएगी या मार्केट में माल ज़्यादा आने के कारण और मंदी आएगी, पता करते हैं आने वाले समय में जीरा क्या भावों में बिकता है। किसान साथी आए हुए हैं और जीरे की यहाँ ऑक्शन चल रहा है,